हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मांसपेशी तंत्र से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। इसके पहले पार्ट वन में मैं 20 क्वेश्चन बताई हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट टू है। दोस्तों, कुल 100 से 120 क्वेश्चन है जिसको कई पार्टों में डिवाइड करके मैं बता रही हूँ। तो ये पार्ट टू है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों की बीमारी को मायोपैथी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि मायोपैथी किससे रिलेटेड बीमारी है, तो मांसपेशियों से रिलेटेड बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनएरोबिक क्रियाएं कहते हैं, किसको कहते हैं? जो छोटे समय की क्रियाएं जिसमें ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना बनती है। ठीक है, छोटे समय की जो क्रियाएँ होती हैं वो अनएरोबिक क्रियाएं होती है, जबकि लंबे समय की क्रियाएं जो होती हैं वो एरोबिक क्रियाएं होती हैं। अनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के बिना, ठीक है, और एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी फाइबर में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं दो प्रोटीन जो मांसपेशी फाइबर में पाए जाते हैं? एक्टिन और मायोसिन, यानी मांसपेशी के फाइबर में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक और क्वेश्चन बनता है कि एक्टिन के कितने प्रोटीन होते हैं? तो एक्टिन के दो प्रोटीन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन होते हैं। मांसपेशी फाइबर में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? तो दो प्रोटीन बोला जाएगा, एक्टिन मायोसिन। अब फिर ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि एक्टिन में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? तो दो प्रोटीन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस Ca++, ठीक है, कैल्शियम आयंस जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो यह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। किसमें? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं कैल्शियम आयंस के एक्शन पोटेंशियल जो होता है, जो उसी के कारण ये कैल्शियम आयंस जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलते हैं, जिससे एक्टिन मायोसिन चार्ज हो जाता है और मांसपेशी जो हमारी कंट्रैक्ट हो जाती है। तो ये सब मैं स्लाइडिंग फिलामेंट जो मांसपेशी तंत्र के संकुचन के बारे में HD हक्सले ने बताया है, उसका वीडियो जब बनाऊंगी तो इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इपीमायोसियम। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी की अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? तो इंडोमायोसियम। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों की फाइबर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब हम लगातार अभ्यास करेंगे तो हमारे जो फाइबर हैं मोटे और मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, शक्तिशाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों का आकार बढ़ता है, अपने से सोचिए, मांसपेशियों का आकार कब बढ़ेगा? जब हम ज़्यादा अपनी मांसपेशी का यूज करेंगे, जैसा उससे काम लेंगे। ठीक है, तो मांसपेशी और मजबूत होती है, तो क्या होगा? मांसपेशियों की बार बार संकुचन तथा प्रकुंचन से, ठीक है, मांसपेशियों के बार बार संकुचन प्रकुंचन से क्या होगा? मांसपेशियों का आकार जो है वो बढ़ता है, जितना ही वर्क करेंगे, जितना ही उसका काम लेंगे, वो मांसपेशियों का आकार बढ़ता है। ठीक है, और जिस अंग से आप कार्य नहीं करेंगे वो शक्तिहीन हो जाता है, बिना काम का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार अभ्यास से मांसपेशियों की धमनियों तथा शिराओं में क्या प्रभाव पड़ता है? अपने सोचिए कि जब हम लगातार अभ्यास करेंगे तो मांसपेशी का आकार तो बढ़ेगा ही, जब मांसपेशी का आकार बढ़ेगा तो हमारी धमनियाँ सिराएं जो गोलाकार नली के रूप में होती हैं, लंबे रूप में पूरे शरीर में फैली रहती हैं, तो उनका व्यास जो है वो बढ़ जाएगा। जब
ठीक है। तो लगातार अभ्यास करने से मांसपेशी की धमनियों और शिराओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यास बढ़ जाएगा इनका। और इसी व्यास बढ़ने को वैसोडाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसोडाइलेशन। यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि वैसोडाइलेशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों की धमनियों शिराओं के व्यास का बढ़ जाता ही वैसोडाइलेशन है। ठीक है, जैसा कि धमनी और शिरा के बारे में आप जानते ही होंगे, धमनियां क्या करती है, हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को समस्त शरीर को भेजती है, एंड जो शिराएं होती है हमारे शरीर से समस्त अशुद्ध रक्त को उठा करके हमारे हृदय में वापस लाती है। ठीक है, फिर वो हमारे फुफ्फुसी जो धमनियां होती है वो ले जाती है फेफड़ों में, या फेफड़े से शुद्ध होकर के फिर ये महाधमनी के रास्ते चला जाता है पूरे शरीर को। ठीक है, फिर ये शरीर को पूरा पंप कर देता है धमनियां। ठीक है, इसलिए धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में अभ्यासों के परिणाम स्वरूप एटीपी तथा सीपी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत बढ़ जाती है। जब हम मांसपेशियों का अभ्यास करते हैं तो उसके बाद एटीपी और सीपी की जो मात्रा होती है वो 25% बढ़ जाती है। ठीक है, जो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में संचित होती है। ठीक है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, मांसपेशियों के कंट्रैक्ट होने में मदद करता है, जिसे हम कार्य कर पाते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोजन की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्लाइकोजन को स्टोर करने की क्षमता वो क्या है, बढ़ जाती है। हम जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी, उतना ही हमारे शरीर में जब मांसपेशियां मजबूत होंगी तो धमनीय शिराओं का व्यास भी बढ़ जाएगा। उसके व्यास बढ़ने से हमारे शरीर में रक्त के आदान प्रदान यानी रक्त का पंपिंग बहुत तेजी से होगा, इससे हमारे पूरा शरीर शुद्ध होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और हमारे शरीर के समस्त अंग मजबूत होंगे। तो क्या होगा, तो ग्लाइकोजन की स्टोर करने की क्षमता इसमें जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास करने से मांसपेशियों में क्या होता है। जब हम अभ्यास करते हैं तो मांसपेशियों में क्या होता है, जाहिर सी बात है कि हमारी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, कोशिकाओं की मात्रा उसमें बढ़ जाएंगी। ठीक है, नई नई कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास से मांसपेशियों में किसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभ्यास जब हम करते हैं तो मांसपेशियों में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, मांसपेशियों में एटीपी की मात्रा बढ़ेगी, सीपी की मात्रा बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, एंड O2 की मात्रा बढ़ेगी, ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, तो मांसपेशियों के अभ्यास से सीपी, एटीपी, हीमोग्लोबिन, O2, ग्लाइकोजन, इस सब की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो जेड लाइनों के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि दो जेड लाइनों के मध्य की दूरी को सर्कोमियर कहते हैं, यानी दो जेड लाइन है और उनके मध्य एक्टिनोमायोसिन पाया जाता है और इसी को सर्कोमियर कहते हैं, और इसी में हमारी पेशी संकुचन होती है। एक्टिन जो है मायोसिन फिलामेंट पर सरकती है और एक्टिन के मायोसिन फिलामेंट पर सरकने पर ही मांसपेशी जो है वो संकुचित होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का रंग लाल किसके कारण होता है, तो मायोग्लोबिन के कारण। दोस्तों, जैसा कि आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल क्यों होता है, ये सबको पता होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो है हमारी आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल होता है। उसी प्रकार पेशियों का रंग लाल कैसे होता है, तो पेशियों का रंग लाल जो है मायोग्लोबिन के कारण होता है, इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियां क्या करती हैं, मांसपेशियां जो है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं। जैसे कि हमारे जो रासायनिक पदार्थ हैं एटीपी जो ऊर्जा के रूप में वो हो जाता है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में, यानी हम जब हम कार्य करने लगते हैं यांत्रिक रूप में, एक यंत्र के रूप में कार्य करने लगते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कमर में आपको सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन है? कौन है? जैसा कि आप सबको पता होगा, ग्लूटियस मैक्सिमस। कमर या कुल्हे की सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस। और ये ग्लूटियस मैक्सिमस जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। एंड ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन है? सार्टोरियस। सबसे लंबी पूछेगा तो सार्टोरियस, और सबसे बड़ी पूछेगा तो ग्लूटियस मैक्सिमस। वो लंबाई में बड़ी है, लेकिन एक लंबाई चौड़ाई यानी सभी एंगल से अगर बड़ी है तो ग्लूटियस मैक्सिमस, लंबी है तो सार्टोरियस, सबसे मजबूत है तो हमारे जबड़े की मसल्स जो है यानी मसेटर मसल्स जिसे बोलते हैं, ये सबसे मजबूत मसल्स होती हैं। और सबसे छोटी मसल्स कौन होती है हमारे शरीर में? स्टेपीडियस। कहाँ पाया जाता है? कान के पास, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद में शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा होता है? जब भी शक्ति की बात करेगी यानी बल उत्पन्न करने की बात होगा दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, तो वहां पे मांसपेशी सही होगा। यानी हमारे शरीर में बल उत्पन्न करने की, शक्ति लगाने का कार्य मांसपेशी करती है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। जब भी शक्ति की बात हो तो मांसपेशी ही सही होगा, यानी खेल कूद में शक्ति का प्रयोग मांसपेशी द्वारा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किक लगाने में सहायक मांसपेशी कौन होता है? तो रेक्टस फीमोरिस जो हमारे जांघ में पाई जाती है, एंड इसे किक मसल भी बोलते हैं, किक लगाने में सहायक होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर रचना यानी एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो मायोकार्डियम, ठीक है। शरीर रचना एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशी को मायोकार्डियम बोलते हैं। वैसे तो हृदय के कितने मांसपेशी पाई जाती है हृदय में? तीन। तीन मांसपेशियों के परत से बना होता है। सबसे ऊपरी परत क्या है? एपिमार्सियम, जिसे पेरिमार्सियम भी कहते हैं, ठीक है। उसमें पेरिमार्सियम नामक द्रव भरा रहता है, ठीक है, जिसके सेरस द्रव कहते हैं। एंड दूसरी परत होती है मायोकार्डियम, और तीसरी परत, अंदरूनी परत क्या होती है? इंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, तीन परत से यानी तीन मांसपेशियों की परत से हमारे हृदय बनी होती है। बट यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शरीर रचना भाषा में यानी शरीर एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो मायोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी तंतु के संकुचन एलिमेंट यानी कंट्रैक्टाइल एलिमेंट को क्या कहते हैं? यानी इसके कहने का मतलब है कि मांसपेशी तंतु के संकुचन की इकाई क्या है? तो क्या है? मायोफाइब्रिल, इसे पेशी तंतु भी बोलते हैं और फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। एंड तो दोस्तों ये था 20 क्वेश्चन मांसपेशी तंत्र से रिलेटेड, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इसको एक से दो बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसा कि आप थ्योरी पढ़े ही होंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद इसको लगाएंगे तो आपको आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।